पूर्व शिक्षा मंत्री दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को हेमंत कैबिनेट में शिक्षा और मद्य निषेध विभाग के मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। वहीं बेबी देवी ने कहा कि मंत्री बनने के बाद अपने दिवंगत पति के सपनों को पूरा करेंगी। बता दें कि बेबी देवी को आज राजभवन में मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। गौरतलब है कि दिवंगत जगन्नाथ महतो डुमरी विधानसभा से लगातार 4 बार विधायक बने थे। 6 अप्रैल को चेन्नई में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया था, जिसके बाद आज उनकी पत्नी बेबी देवी मंत्री पद की शपथ लेंगी। राजभवन में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। हेमंत सोरेन जो आदेश देगा वो ही करेंगे, क्षेत्र के लोग वही जनता के लिए सेवा करते हैं, वही सब चुना साथ रहेंगे, जो अधूरा काम है से पूरा करेंगे। मंत्री जी के जनता के काम था वो करते थे मंत्री जी। आपका जैसे अभी क्षेत्र का जनता आपके पास ही आता है, तो इसको कैसे इनका दुख दर्द को दूर करेंगे आप मंत्री बनेंगे तो? अब जाएंगे इनमें और देखभाल करेंगे और का। तो जो सपना अधूरा रह गया था उसे पूरा करने का काम बेबी देवी करेंगी। कशिश न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे काम है जो अभी भी अधूरे बचे हुए हैं और उसे पूरा करना है। तो बता दें कि झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री रहे दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी हेमंत कैबिनेट में शिक्षा व मद्य निषेध विभाग के लिए मंत्री पद की शपथ लेंगी। बता दें कि बेबी देवी हेमंत कैबिनेट में 11वीं मंत्री बनेंगी और आज राजभवन में उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। और रांची से इस वक्त संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। और रुचि, बेबी देवी आज शपथ लेंगी, इसके साथ ही जो जिम्मेदारी है वो शिक्षा विभाग और मद्य निषेध विभाग की दी गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो सपने अधूरे रह गए उसे पूरा करना है। बिल्कुल रश्मि, देखिए कल देर शाम उन्होंने ट्वीट भी किया था, बेबी देवी के द्वारा ट्वीट किया गया था। उन्होंने कहा कि जो स्वर्गीय उनके पति जगन्नाथ महतो थे उनके अधूरे सपने को वो पूरा करने का काम करेंगी और उनसे जो एक संबल शक्ति और जो प्रेरणा मिली है उसके तहत वो कार्य भी करेंगी। देखिए आज राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन जो है वो आज उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। हालांकि जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें कई गणमान्य लोगों की अगर बात करें मीडिया कर्मी को तो वो अनुमति नहीं मिली है, क्योंकि राजभवन के अंदर ये बिरसा मंडप में समारोह ना हो करके जो राजभवन के अंदर जो हॉल है उसमें शपथ दिलाई जाएगी। तो कह सकते हैं कि आज जो है बेहद ही सादगी से ये शपथ ग्रहण समारोह होगा और बेबी देवी ने कहा भी है कि जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसे वह पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगी और पूरा करेंगी। बता दें रश्मि की ये हेमंत सरकार के द्वारा लिया गया जो निर्णय है, यानी कि डुमरी उपचुनाव से पहले ही, डुमरी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव से पहले ही ये एक बड़ा निर्णय हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा लिया गया है। और यह भी कहा जा रहा है कि एक महिला को मान सम्मान देने का जो कार्य है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। देखिए रश्मि, ये बता दे कि ये दूसरा राज्य में कुल जो है 5 उपचुनाव हो चुके हैं 2019 के बाद, ये 6ठा उपचुनाव होना है, लेकिन ये हेमंत सरकार का दूसरा ऐसा बड़ा फैसला है। जब हाजी हुसैन अंसारी की मृत्यु हुई थी, यानी कि पर्यटन एवं खेल मंत्री जो थे उनकी मृत्यु हुई थी कोरोना के समय में, तो उसके बाद जब मधुपुर में उपचुनाव होना था उससे पहले ही उनके पुत्र को उन्होंने जो है मंत्री पद की शपथ दिलाई थी। और ठीक वैसे ही ये जगन्नाथ महतो की पत्नी जो बेबी देवी है उन्हें आज मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। तो देखिए ये एक चुनौती भी है महागठबंधन के लिए, चूंकि होगी, हालांकि जनता का मूड भी बताया जा रहा है, यह महागठबंधन में शामिल दल पूर्व से ही ये एक सुर में कह रहे थे कि ये जिम्मेवारी जो है, यानी कि मंत्री पद की जिम्मेवारी हो या रामगढ़, माफी चाहूंगी, डुमरी विधानसभा की जो जिम्मेवारी है वो उन्हें मिलनी चाहिए, या तो जगन्नाथ महतो के जो पुत्र अखिलेश्वर महतो हैं या फिर उनकी पत्नी को मिलने चाहिए। देखिए जगन्नाथ महतो के पुत्र जो अखिलेश्वर उर्फ राजू महतो हैं उनकी उम्र कम हो रही थी, यानी कि 1 वर्ष उम्र कम पड़ रहा था,
इसलिए ये जिम्मेवारी जो है ये बेबी देवी को सौंपा गया। बेबी देवी हाल ही में जो झारखंड सुप्रीमो शिबू सोरेन है और हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी, और देखिए हेमंत सोरेन जब ये जिम्मेवारी सौंप रहे हैं तो बेबी देवी ने भी कहा है कि पूरी निष्ठा के साथ ये निभाएंगी। बता दें कि बेबी देवी की चार पुत्रियां हैं, चारों पुत्रियां की शादी हो चुकी है और एक पुत्र अखिलेश्वर महतो है। और देखिए जो कार्य मिल रहा है, जो जिम्मेवारी मिल रही है, उसे आज पूरी निष्ठा के साथ पूरा करेंगी। आज जब हमने बात की, बात हुई अखिलेश्वर उर्फ राजू महतो से, उन्होंने कहा कि देखिए हमारी माता हो या चाहे हम हो, यानी जगन्नाथ महतो के जो दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के सपने को, हर सपने को साकार करने का कार्य करेंगे और राज्य के विकास में अग्रणी भूमिका कैसे निभाया जाए उसके लिए भी ये हमेशा कार्य करते रहेंगे। एक बड़ा दाव ये इसलिए भी है क्योंकि उपचुनाव से पहले ये फैसला सीएम ने लिया है। और वही अगर डुमरी की हम बात करें तो लगातार वहां से दिवंगत जगन्नाथ महतो जीतते आए हैं, तो ये एक बड़ी चुनौती भी है और मुख्यमंत्री के लिए ये बड़ा दाव है। बिल्कुल बिल्कुल रश्मि, देखिए मुख्यमंत्री के लिए बड़ा दाव भी है और एक बड़ी चुनौती है। और देखिए महागठबंधन की तरफ से ये पूरा 100% जो है दावे किए जा रहे हैं कि पिछले 4 वर्षों से जगन्नाथ महतो ने, जो दिवंगत जगन्नाथ महतो हैं, उन्होंने इतना कार्य ही किया है कि जो लोग हैं सहानुभूति के तौर पर भी वोट करेंगे और जनता का मूड जो है, जनता उनके साथ है, तो देखिए जनता जनार्दन जो है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम होते हैं तो जनता जनार्दन पर ये डिपेंड करता है। लेकिन जो मूड दिख रहा है, जो जगन्नाथ महतो के द्वारा किए गए कार्य दिख रहे हैं, वो ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन ये आने वाले दिनों में देखना होगा कि डुमरी विधानसभा में उपचुनाव होते हैं तो किसकी जीत होती है। हालांकि मंत्री पद ये जो कार्यभार संभाल रही हैं, ये अगर ये जीतती हैं तो फिर महागठबंधन की सरकार में ये शिक्षा एवं मद्य निषेध विभाग की जिम्मेवारी देखिए संभालती रहेंगी। लेकिन बता दें कि जब जगन्नाथ महतो का निधन हुआ था चेन्नई के अस्पताल में, निधन के पश्चात देखिए कुछ दिनों के बाद ही, चाहे वो राजू महतो की बात करें यानी शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के पुत्र की बात करें या पत्नी बेबी देवी की बात करें, वो वहां अपने विधानसभा क्षेत्र में वो सक्रिय दिख रही थी और कई ऐसे कार्य हो रहे थे जहां की बतौर मुख्य अतिथि वो शामिल भी हो रही थी। तो एक तरह से जनता के बीच में जाने का उन्होंने कार्य भी प्रारंभ कर दिया था। बिल्कुल रुचि। और देखिए आज जब वो डुमरी से चलेंगी, यानी कि डुमरी से चलने के बाद जो है वो पूजा अर्चना करेंगी अपने ग्रामीण क्षेत्र में, उसके बाद पूजा अर्चना के पश्चात देखिए सीधे वो राजभवन पहुंचेंगी और राजभवन में सीपी राधा कृष्णन के द्वारा उन्हें पद गोपनीयता पद की शपथ दिलाई जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल रुचि, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।